या तो रखे सारा अभिमान। से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। छात्रों की मांगों को लेकर छात्र संगठन NSUI का विरोध लगातार जारी है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में क्रमिक भूख हड़ताल के दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने आज अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज किया। DC कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे NSUI के आधा दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ कर भगवान से जयराम सरकार को सत बुद्धि देने की कामना की। मीडिया से बात करते हुए NSUI के जिला अध्यक्ष विपुल शर्मा ने कहा कि NSUI के लगातार विरोध के बावजूद भी सरकार का ध्यान छात्रों की मांगों की तरफ से नहीं जा रहा है। ऐसे में हवन यज्ञ के जरिए NSUI कामना कर रही है कि भगवान राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और विश्वविद्यालय कुलदीप को सद्बुद्धि दे ताकि उनका ध्यान छात्रों की समस्याओं की तरफ जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से NSUI के कार्यकर्ता क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, मगर सरकार के किसी भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे मिलना उचित नहीं समझा और इससे साफ झलकता है कि सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। आप जैसा आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। हमारी कुछ मांगे थी छात्रों को लेकर, जो जिस तरीके से पिछले वर्ष NSUI के संघर्ष और NSUI के धरनों के कारण हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया था, उसी तरह इस वर्ष भी छात्रों को प्रमोट किया जाए या फिर जब तक सभी छात्रों को वैक्सीनेशन का कार्य पूरा नहीं किया जाता तब तक परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। लेकिन हमें 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि सरकार की ओर से कोई भी हमें उचित जवाब नहीं मिला है, ना ही प्रशासन की ओर से हमें कुछ उचित जवाब मिला है, जिसके लिए हमने आज जिला मुख्यालय नाहन में जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक हवन यज्ञ किया, जिसका हमारा मुख्य उद्देश्य था हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, शिक्षा मंत्री जो है और हमारे जो BC महोदय है, कुलपति महोदय है हमारे, उन्हें सतबुद्धि दे भगवान। हमने ईश्वर से कामना की है इन्हें शीघ्र सतबुद्धि देने की कामना करें ताकि छात्रों के हित में ये सरकार और ये जो प्रशासन है कुछ सही फैसले ले सके और छात्रों का भविष्य जो है अंधकारमय ना हो सके। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।